वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऑक्सफोर्ड स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है और इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। बिना एक्सपीरियंस के भी जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं विदाउट एक्सपीरियंस, वो भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है 10 अप्रैल 2024, 10 अप्रैल 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया में। बुधवार के पेपर में, वेंसडे के पेपर में काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं। उनमें से बहुत सारे मैं टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप वगैरह पर शेयर कर देती हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके वो सब वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप और बाकी सभी ग्रुप्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक्स आपको हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, क्लिक करके ज्वाइन हो जाएं ऑटोमेटिकली। सभी फ्री हैं। तो अभी जो ऑक्सफोर्ड स्कूल की वैकेंसीज है उसकी डिटेल वीडियो में आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं डिटेल्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, पीआरटी, प्री प्राइमरी सेक्शन टीचर, ड्राइंग टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, जूनियर लाइब्रेरियन, साइंस लेबोरेटरी असिस्टेंट, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, अकाउंटेंट, रिसेप्शनिस्ट एंड ऑफिस क्लर्क। ऑक्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल ई ब्लॉक, विकासपुरी, न्यू दिल्ली 18 से वैकेंसीज हैं, दिल्ली से वैकेंसीज हैं। रिक्वायर्ड ट्रेन फीमेल टीचर्स। अब यहाँ पर भी जो है ना, थोड़ा सा मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम है। पुरुष अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते, महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे इसमें। ऐसे मेरी जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनमें सभी में मेल फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर पाते हैं, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय छोड़ के। लेकिन आज कुछ ऐसा है कि वैकेंसीज जो भी आई हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे टेलीग्राम पे शेयर किए हुए हैं, फेसबुक ग्रुप पे वैकेंसीज, वहां जाके आप चेक कर लें। तो दिल्ली से वैकेंसीज है, विकासपुरी से, ई ब्लॉक से, महिला अभ्यर्थी जो ट्रेंड है, मतलब टीचर ट्रेनिंग है जिनके पास, वही आवेदन करेंगे, अप्लाई करेंगे। अब इसमें जो है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे मैं आपको बताऊं, पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, इसमें एज लिमिट भी शायद लिखा है कि इतनी एज लिमिट होनी चाहिए, ऐसा है शायद। इसमें नहीं है तो ओके, इसमें नहीं है, एज लिमिट नहीं है। तो जो भी एज लिमिट है अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में पॉलिटिकल साइंस एंड कॉमर्स है, तो पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में एंड बीएड होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए इंग्लिश, मैथ, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस में ग्रेजुएट है और बीएड है, और सीटेट पेपर टू है या फिर टेट पेपर टू है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए ग्रेजुएट है और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन या जो भी बीटीसी, जेबीटी जो भी है, और सीटेट पेपर वन या टेट पेपर वन है तो अप्लाई कर सकते हैं। नर्सरी ट्रेन टीचर के लिए, एनटीटी के लिए नर्सरी ट्रेन टीचर है, मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर है, या डी सीईडी करके इक्विवेलेंट कोई भी है आपके पास प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए टीचर ट्रेनिंग, तो अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइंग टीचर के लिए तो जो भी है आपके पास डिप्लोमा या डिग्री ड्राइंग वगैरह में या फाइन आर्ट में, पेंटिंग में, तो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बीपेड और या फिर एमपेड है तो अप्लाई करें। जूनियर लाइब्रेरियन है तो बीलिब, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस या एमलिब वाले अप्लाई कर सकते हैं। साइंस लेबोरेटरी असिस्टेंट में साइंस ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, और स्पेशल एजुकेटर में डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, एनी ग्रेजुएट, डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या फिर बीएड इन स्पेशल एजुकेशन वाले अप्लाई करेंगे। काउंसलर के लिए एमए इन साइकोलॉजी एंड प्लस काउंसलिंग में अगर आपकी एक सर्टिफिकेशन है तो अच्छा रहेगा। अकाउंटेंट में बीकॉम वाले जिनको टैली आता है वो अप्लाई कर लें। रिसेप्शनिस्ट में फीमेल कैंडिडेट जो कि एनी ग्रेजुएट लेकिन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो अप्लाई करें। ऑफिस क्लर्क में एनी ग्रेजुएट, थोड़ा आपको क्लरिकल वर्क, ऑफिस वर्क आता है तो अप्लाई करें। इट इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू द पोस्ट ऑफ पीआरटी टीजीटी टू बी सीटेट क्वालिफाइड, अप्लाई विथ फुल बायोडेटा अलॉन्ग विथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आप अपना लेटेस्ट बायोडेटा बनाएंगे, उसमें वैलिड नंबर, वैलिड ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, क्योंकि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको कॉल बैक किया जाता है उस नंबर पर। और इस पे बायोडेटा पे फोटोग्राफ पेस्ट करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें स्कैन करके, एंड 17 अप्रैल 2024 तक आप ईमेल आईडी दी हुई है। ईमेज इतनी ब्लर आती है ना न्यूज़पेपर से, न्यूज़पेपर में तो ठीक ही रहता है, जब उसकी स्क्रीनशॉट आप इमेज लो तो वो। एनीवेज जो भी है, करियर डॉट, करियर में स्पेलिंग देख लें, ऑक्सफोर्ड्स है यहाँ पे, ऑक्सफोर्ड नहीं है, ऑक्सफोर्ड्स @gmail.com, इस पे आपको भेज देना ईमेल से।
और सब्जेक्ट लाइन में आपको जरूर लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर, और पीडीएफ में कन्वर्ट करके भेजें उस पर एक पोस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करके स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको भेजना है। ईमेल आईडी की जो सब्जेक्ट लाइन है उसमें जरूर लिखें, जैसे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज ऑफिस क्लर्क, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस क्लर्क एट ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, ऑक्सफोर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, विकासपुरी, न्यू दिल्ली, और फिर अटैच करके आप भेज दें। होप आपने सभी सेक्शंस की स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ये लोअर पोर्शन है एडवर्टीजमेंट का जिसमें ईमेल आईडी, लास्ट डेट और सीटेट मैंडेटरी है ये लिखा है। इसके बाद ये नॉन टीचिंग पोस्ट है, पीआरटी एंटिटी और स्कूल का एड्रेस एंड अपर पोर्शन ऑफ एडवर्टीजमेंट।